तो दोस्तों ठीक हो ना आप सब। लावा कंपनी एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है जिसका नाम होने वाला है लावा स्टॉर्म 5G और ये स्मार्टफोन अमेज़न पे लॉन्च होने वाला है। दो दिन पहले ही उन्होंने लावा युवा 3 प्रो लॉन्च किया जिसका बहुत कम प्राइस था और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स थे उसमें। तो एक से एक अच्छा स्मार्टफोन लावा कंपनी इंडिया में लॉन्च करती जा रही है। और इस स्मार्टफोन की बात करें जो अभी लॉन्च होने वाला है तो इसका एक नया सीरीज बनने वाला है। जैसे लावा का अग्नि सीरीज है ना, लावा का ब्लेज सीरीज है, लावा का युवा सीरीज है, उसी तरह लावा का स्टॉर्म सीरीज बनने वाला है। मतलब ये पहला स्मार्टफोन होगा उस सीरीज का। इसके बाद इसमें आप लोगों को लावा स्टॉर्म 1, लावा स्टॉर्म 2 ऐसे ही बहुत सारे सीरीज देखने को मिल जाएंगे। तो ये पहला स्मार्टफोन है जो लॉन्च होने वाला है लावा स्टॉर्म 5G। अगर बात करें इस स्मार्टफोन में क्या कुछ फीचर्स वगैरह होने वाले हैं तो अभी इसका एक फोटो सामने आया है और आप देख सकते हो कि इसमें आप लोगों को पीछे के साइड में 3 कैमरा दिख रहा है और ये सैमसंग का डिज़ाइन जैसा है। मतलब बहुत मस्त है, ऐसा डिज़ाइन वाला बहुत लोग स्मार्टफोन खरीदते हैं। और इसका और भी फोटो वगैरह अभी कुछ नहीं आया है और इसमें क्या कुछ फीचर्स वगैरह होने वाले हैं वो अभी पता नहीं चला है। बट मैं आप लोगों को इतना बता देता हूँ कि चाइनीज़ कंपनियों से बहुत कम प्राइस में ये 5G आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 15,000 से नीचे ही होने वाला है। और अगर बात करें कि इसमें आप लोगों को कौन सा चिपसेट देखने को मिलेगा तो ऐसा अभी खबर वगैरह आया है कि इसमें आप लोगों को मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस का चिपसेट देखने को मिलेगा। और भी ऐसे ही कुछ फीचर्स वगैरह पता चलते हैं, कुछ भी न्यूज वगैरह आता है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।